तो क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 डेज एज अ वार्डन। सोचो कि आप एक बेबी वार्डन हो और एकदम से आप बदल जाते हो एक बड़े वार्डन में। तो एज अ वार्डन मैं एकदम बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए काफी सारे गोलम्स और हीरो ब्रांड मुझे मारना चाहते हैं और पूरे वार्डन को खत्म कर दिया है। मैं सिर्फ एक आखिरी वार्डन बचा हूं। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ वार्डन? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को लाइक में रखते हैं 30,000 लाइक और नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे जाके तुम दबा दो। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता है एज अ वार्डन, एक मिनट, मैं स्पॉन हुआ था एज अ बेबी वार्डन जो कि एकदम छोटा सा और क्यूट सा था और बाकी सब वार्डन नहीं देख सकते थे लेकिन मैं अच्छे से देख सकता था। और मैं देखता हूँ कि मेरे पास पूरे 10 हार्ट और मेरे पास तो एक वार्डन का हार्ट और मुझे नहीं पता था इससे क्या होगा। तो जैसे मैं यूज करता हूँ मुझे यहाँ पे मिल जाते काफी सारे सही इफेक्ट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं अपने आजू बाजू देखता हूँ। तो मैं था एक अलग से बायो में या तो शायद कोई डायमेंशन था जहाँ पे सिर्फ वार्डन रहते। तो जैसे मैं अपने आगे देखता हूँ मुझे यहाँ पे दिखते कुछ पोलियो वाले वार्डन क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहे थे, वार्डन जैसे थे लेकिन। तो ये मेरे ऊपर आके हमला करना चालू कर देते तो मैं जल्दी से इनको मारता हूँ लेकिन पूरी इनकी फौज आ जाती है और मुझे बहुत गंदा लगा, लोग डैमेज देते। लेकिन मैं तभी देखता हूँ तो ऊपर भी वार्डन देख रहा था और सीधा कूदता है नीचे और एक एक करके इन लोग को मारना चालू करता है। और सही में यार बहुत गंदी तरीके से इन सबको मारता है। और उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक हार्ट बाकी था लेकिन तभी यहाँ पे एक और मुझे मारने के लिए आता है तो उसको भी निपटा देता है ये। और मुझे बोलता है कि जल्दी से अपना वार्डन हार्ट यूज कर लो और मेरी हेल्थ वापस से फुल हो जाती है। और उसके बाद ये मुझे बोलता है, हाँ बच्चे मैं हूँ तुम्हारा लीडर, पूरे वार्डन का लीडर हूँ मैं, अभी हम बहुत ज्यादा खतरे में क्योंकि कुछ लोग हमें मारना चाहते हैं और हमारी जगह पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये सब सुन के मैं भी तुम्हारे जितना ही कंफ्यूज था लेकिन मुझे यहाँ पे मिल जाती है सॉर्ड। तो मैं जल्दी से इसको रख लेता हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश था पता नहीं ये देख के। और ये वार्डन मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे लेके जा रहा हूँ। तो मैं जल्दी से इनको फॉलो करता हूँ क्योंकि ये हमारे लीडर थे। तो जैसे मैं पहुंचता हूँ इनका बेस था और काफी ज्यादा सही था ये और पता नहीं कुछ तो यहाँ पे ग्लोइंग प्लांट्स थे जो कि और भी ज्यादा सही लग रहे थे। तो मुझे बोलते कि तुम आज रात यहाँ पे रुक सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ देर तक इंतजार करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। तो जैसे मेरी आंख खुलती है मैं बाहर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारा लीडर यहाँ पे नहीं था लेकिन तभी यहाँ पे मेरे ऊपर हमला करने आता है एक पोलियो वाला वार्डन। तो उसको निपटा देता हूँ मैं जल्दी से। उसके बाद मैं देखता हूँ दूर में तो काफी सारे वार्डन और पोलियो वाले वार्डन को ये जो बड़ा वाला गोलम था जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था ये एक एक करके अपनी तरफ खींच रहा था और इनको मार रहा था। और पता नहीं इसके पास शायद बहुत ज्यादा ताकत थी क्योंकि वार्डन के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताकत होती लेकिन ये उनको मार रहा था। तो मैं सब देख रहा था एकदम ऊपर से और मैं सीधा भागते हुए जाता उसके पास। और जैसे मैं पहुंचता उसके बाद यहाँ पे मुझे देखता है और मेरे सामने एक और को मार देता है। और जैसे मुझे देखता है मुझसे बोलता है, एक छोटा सा वार्डन मुझे रोकेगा क्या? मैं पूरी जगह को अपने कब्जे में कर लूंगा और सारे वार्डन को मार डालूंगा। और फिर मुझे भी अपनी तरफ खींचता है और एक फाइट मारता है। तो मेरे पास सिर्फ 2 हार्ट बचते हैं तो मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ता है और मैं सीधा पहुंचता हूँ अपने बेस में। और यहाँ पे था लीडर तो मैं जल्दी से अपना वार्डन हार्ट से अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इनको बताता हूँ कि गोलम आके सब वार्डन को मार रहे। तो ये मुझे बताते हैं कि पूरे वार्डन मर चुके, बस ये और मैं ही जिंदा है और वो जो ब्लॉक है उसकी मदद से तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो, तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक कर देता वही गोलम, उनको मारना चालू करता है। और तभी जो लीडर वार्डन है वो मुझे बोलते कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और तुम यहाँ पे वापस आके इनको मार देना। लेकिन तभी वो इन्हें एक फाइट मारता है और यहाँ पे मर जाते हैं हमारे वार्डन लीडर। तो जल्दी से वो मेरे ऊपर भी कुछ तो फेंकता है और जैसे मुझे मारने वाला होता है मैं जल्दी से इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं पहुंच जाता हूँ एक नई जगह पे और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे था अभी, तो मैं शायद पहुंच चुका था कोई और डायमेंशन में और ये था माइनक्राफ्ट वाला डायमेंशन। तो जल्दी से मैं यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनसे बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल और उसे मैं बना लेता हूँ एक वुडन की पिकेक्स और उसी पिकेक्स से मैं तोड़ लेता हूँ काफी सारे स्टोन और जल्दी से बना लेता हूँ एक स्टोन की पिकेक्स और एक स्टोन की एक्स। और यहाँ पे मैं तोड़ना चालू करता हूँ काफी सारे आयरन क्योंकि मुझे जल्दी से ताकतवर बनना था ताकि मैं वहाँ पे गोलम्स को हरा के अपनी जगह वापस कैप्चर कर लूँ। और मेरे पास यहाँ पे कुछ आयरन और हो चुके थे। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे काफी सारे स्केलेटन मुझे मारना चालू करते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे क्यों मार रहे लेकिन तो भी मैं इनको मारना चालू करता हूँ और दोनों को निपटा देता हूँ। और आखिरकार काफी दिनों तक चलने के बाद मैं इस केव से बाहर निकलता हूँ। और जैसे मैं बाहर देखता हूँ मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफी सारे पेड़ और ये वाला जो वर्ल्ड था ये सही में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। तो मैं जैसे आता हूँ सीधा यहाँ से नीचे तो मुझे अब दिखता है पानी, तो मैं यहाँ से तैरते हुए जाता हूँ तो मुझे अभी दिखते कुछ फिशेस। तो मैं जल्दी से इनको मारना चालू करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत गंदे भूख लग रही थी। तो मैं जल्दी से खा लेता हूँ ये सब फिशेस और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखता है अजीब सा बायोम और बहुत अजीब सा पेड़ था। तो मैं जल्दी से यहाँ पे काफी सारे लॉक्स तोड़ लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ मैं काफी दिनों तक के। और मुझे यहाँ पे पता नहीं देखता एक ब्लैक कलर का बायोम जहाँ पे था एक और गोलम जो कि बिल्कुल उसके जैसे दिख रहा था और यहाँ पे क्रोकोडाइल भी था। और इस गोलम ने पूरी जगह को करप्ट कर दिया था क्योंकि ये पूरा बायोम पूरा काला हो चुका था। तो जैसे मैं घुसता हूँ इस बायोम के अंदर पता नहीं पूरा आसमान का कलर चेंज हो जाता है। तो मैं वापस से जाता हूँ अंदर और पता नहीं मुझे कोई तो चीज से बहुत गंदा ला डैमेज पहुंच रहा था। तो जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है, सारे वार्डन को तो हमने खत्म कर दिया था और तुम मेरी जगह पे कैसे है? अब तो तुम यहाँ से बिना मरे नहीं जा सकते। इतना सब बोलने के बाद एकदम से खोल जाता है और जमीन में मारता है तो कुछ तो चीजें बाहर आती है। तो मैं जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे बहुत गंदा ला डैमेज होता है, बस 3 हार्ट बचते हैं। लेकिन मैं जल्दी से वार्डन हार्ट से अपनी हार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ और ये मुझे बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो मैं यहाँ से भागना चालू कर देता हूँ और शायद वो इस बायोम से बाहर नहीं आ सकता था। तो अगले कुछ दिन चलने के बाद मुझे यहाँ पे दिख जाती एक बोट जो कि उल्टी हो चुकी थी और मुझे नहीं पता कि ये किसने किया था, लेकिन मैं जल्दी से जाता उसके तरफ। हो सकता था कि वहाँ पे मुझे कुछ काम की चीजें मिल जाए। तो जैसे मैं पहुंचता हूँ यहाँ पे ये पूरी तरीके से खाली था और यहाँ पे मैं अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। जैसे अंदर पहुंचता हूँ यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिल जाता है, एक सही बुक, साथ में एक चेस्ट प्लेट भी मिल जाता है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे मिल जाता है एक बरीड ट्रेजर
फ्यूचर मैप। तो ये सब रखने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है एक और चेस्ट। तो जैसे मैं खोलता हूँ यहाँ पे मुझे मिलता है एक टोटम ऑफ सोल प्रोटेक्शन और साथ में मुझे मिल जाता है एक मैकेनिकल शॉर्ट बो। तो मैं इन सबको रख लेता हूँ अपने पास। जल्दी से मैं पहन लेता हूँ चेस्ट प्लेट। तो जैसे मैं मैप खोलता हूँ मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि मुझे कहाँ पे जाना है। तो मैं काफी देर तक के यहाँ हुआ देखता हूँ और मुझे आखिरकार मिल जाती है वो डायरेक्शन। लेकिन जैसे मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है बारिश और मुझे दूर में दिखता है एक भूत और ये शायद इसी शिप का होगा जो कैप्टन था। तो एकदम से मुझे देखता है तो मुझे मारने के लिए आता है। तो मुझे एक हिट मारता है लेकिन मैं इसे निपटा देता हूँ जो मेरे पास शॉर्ट थी और वापस से मौसम ठीक हो जाता है। तो मैं फिर से अपना मैप देखता हूँ और उसी डायरेक्शन में बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे कुछ देर तक पानी में ऐसे कूदने के बाद मैं यहाँ पे अपनी लिए बोट बना लेता हूँ। तो जल्दी से मैं बोट में बैठता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहुंच जाता हूँ वही जगह पे और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जस्ट बाजू में था वहाँ पे खजाना। मैं पता नहीं इतनी मेहनत कर रहा था। सीधा मैं तोड़ता हूँ यहाँ पे काफी सारे सैंड। मुझे यहाँ पे दिख जाता है एक चेस्ट। जल्दी से यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक हार्ट ऑफ सी, काफी सारा गोल्ड, बहुत सारा डायमंड और कुछ यहाँ पे आयरन इंगट्स भी मिल जाते हैं। इन सबको मैं रख लेता हूँ अपने पास। तो काफी अच्छा खजाना मुझे मिल चुका था। तो पूरा दिन खत्म हो जाता है और जब रात होती है तो मैं रात भर यहाँ वहाँ भटकते रहता हूँ। और काफी देर तक के चलने के बाद मैं जब दूर में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक विलेज। तो शायद यहाँ पे रात में रुकने के लिए तो मुझे जगह मिल जाएगी। तो मैं जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ भागते हुए। तो मुझे यहाँ पे दिखता है घर जहाँ पे दो डोर थे। तो जल्दी से मैं घुसता हूँ अंदर। यहाँ पे एक विलेजर सो रहा था, इसको मैं जल्दी से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। और जैसे नेक्स्ट डे होता है यहाँ पे इसका बच्चा पता नहीं मुझे देख के इतना खुशी होता है। मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखता है कैंप फायर। तो जल्दी से जो मैप को फेंक देता हूँ मैं क्योंकि बहुत ज्यादा बेकार था ये। तो यहाँ पे मुझे दिखते कुछ विलेजर और मुझे देख के लोग पता नहीं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मैंने बोलता हूँ कि मुझे कुछ हथियार चाहिए। तो लोग बोलते हैं उसके बदले मैंने कुछ चाहिए। तो मैंने दे देता हूँ डायमंड और साथ में मैंने दे देता हूँ आयरन के और। तो उसके बदले में ये मुझे दे देते कुछ आर्मर और साथ में मुझे दे देते कुछ टूल्स क्योंकि ये आर्मर थे शायद। तो जल्दी से मैं इन सबको रख लेता हूँ और पेन भी लेता हूँ साथ में। तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और मेरे पास सही वाले टूल्स भी मिल चुके थे। तो मैं बस इस विलेज से बाहर निकल ही रहा था कि मुझे यहाँ पे दिखते कुछ हेबेल। तो जल्दी से मैं इनको तोड़ता हूँ क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पे गोलम आके मुझे मारना चालू करता है। तो मैं से बोलता हूँ कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो मुझे बोलता है कि तुम इस जगह से कुछ भी चोरी नहीं कर सकते और वार्डन हम लोग के बहुत बेकार वाले दुश्मन होते हैं। तो मुझे आता है बहुत ज्यादा गुस्सा और मैं इसे मारना चालू करता हूँ। तो पहले मैं इसे अपनी बो से मारता हूँ फिर अपनी शॉट से मारता हूँ लेकिन इसका डैमेज बहुत बुरा होता है। लेकिन एक लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है। तो जितने भी हेबेल्स थे मैं उनका जल्दी से बना लेता हूँ ब्रेड और कुछ ब्रेड भी खा लेता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ कम हो गई थी। और जल्दी से मैं जगह से बाहर ही निकल रहा था कि मैं देखता हूँ यहाँ पे पता नहीं ये दो विलेजर क्या कर रहे थे और एक विलेजर पता नहीं यहाँ से शायद गिरने की कोशिश कर रहा था या मरना चाहता होगा। तो मैं उसे खुद दो तीन शॉट मारता और शायद वो मर चुका था। तो कोई बात नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ उससे पहले कि ये लोग मुझे भी मार दे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। काफी दिन तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक अजीब सी जगह दिखती है जहाँ पे एक उड़ने वाली औरत होती है जिसके पास पंख होते हैं और पता नहीं मुझे देखते क्यों मारना चालू करती है। उसकी दोस्त आती है वो भी मुझे मारती है तो मैं उसे निपटा देता हूँ। और मुझे यहाँ पे दिखता है एकदम पुराना सा घर था शायद किसी का। तो जैसे मैं घुसता हूँ यहाँ पे मुझे मिलता है एक अजीब सा आदमी जिसका नाम था नेक्रोमेंसर विलेजर। तो मैं इसे बताता हूँ कि कैसे गोलम से सारे वार्डन को मार दिया और अब मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। तो ये मुझे बताते कि ये मेरी हेल्प कर सकता है लेकिन उसके बदले मुझे इसका कुछ काम करना पड़ेगा। तो मुझे देता है एक बुक एंड क्विल जिसमें लिखा होता है कि लावा गोलम को जाके मुझे मारना है। मैं जल्दी से जाता हूँ उसको ढूंढने के लिए। तो आगे मैं पहुंचता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते काफी सारे पिलेजर्स जो कि एक शिप में थे और जैसे मुझे देखते मुझे मारना चालू करते। लेकिन पहले तो मैं इनको दूर से मारता हूँ। तो जैसे मैं इनके पास जाता हूँ पता नहीं लोग मुझे वापस से बहुत गंदे मारना चालू करते। तो मैं इनको निपटाता और पता नहीं यहाँ पे सबका नाम मैलोस क्यों था और जल्दी से छोटे वाले जानवर को भी निपटा देता हूँ। तो जैसे यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो मुझे अभी दिखता हूँ रेड कलर का फॉरेस्ट। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ स्केलेटन थे जिन लोग ने कुछ अलग टाइप का हेलमेट पहना हुआ था और बहुत ज्यादा ताकतवर भी थे। तो मुझे इनको जाके अपनी शॉट से मारना पड़ता है। तो जल्दी से इन दोनों को खत्म करता हूँ और मैं पहुंच चुका था उस रेड फॉरेस्ट के पास। तो जैसे मैं घुसता हूँ अंदर मैं देखता हूँ आसमान की तरफ और आसमान पूरा रेड हो चुका था और अब मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकता था। शायद कुछ अजीब सा बैरियर था। तो मैं सीधा अंदर जाता हूँ और काफी देर तक चलता हूँ तो मुझे यहाँ पे टूटा फूटा घर मिलता है, शायद पता नहीं किसका था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पता नहीं यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल क्यों थे। और काफी देर चलने के बाद आखिरकार मुझे मिल जाती है वो जगह जहाँ पे रहता था वो लावा गोलम। तो जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है तुम इस जगह पे कैसा है, अब तुम जिंदा तो इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे उस आदमी ने दिया था एक पोशन। तो जैसे मैं इसे फेंकता हूँ तो कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे बन जाता हूँ एकदम बड़ा वाला वार्डन और मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा हार्ट्स आ चुके थे। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इसे मारने वाली है, मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागता है। लेकिन मेरे पास हेल्थ बहुत ज्यादा थी और इसका डैमेज बहुत अच्छा था तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। लेकिन एक लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है और मुझे यहाँ पे चाहिए था इसका मैग्मा क्यूब। तो जल्दी से मैं लेके इस जगह से बाहर निकल जाता हूँ। तो अगले कुछ दिन चलने के बाद मैं आखिरकार पहुंच जाता हूँ अपने दोस्त के घर में और जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ अंदर तो मुझे वो दिखता है एकदम कोने में। तो मुझे वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उस लावा गोलम के पास से कोई भी जिंदा नहीं आया था। तो मैं उसे बताता हूँ कि मैंने लावा गोलम को कैसे मारा। उसके बाद ये मुझसे मांगता है मैग्मा क्यूब तो मैं उसे दे देता हूँ और उसके बदले वो मुझे देता है एक बुक जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इसके बाद मुझे किसको मारना चाहिए जो कि था एंडर गोलम क्योंकि वो भी उस मेन गोलम के साथ मिला हुआ था और मैं उसे पहले मिल चुका था उस काले वाले फॉरेस्ट में। तो मैं जल्दी से जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था वो कहाँ पे मिलेगा। मैं जैसे पहुंचता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब सा घर जहाँ पे शायद कोई तो था। तो मैं जैसे उसके पास जाता हूँ मुझे दिखता है वही वाला बायोम जहाँ पे मुझे मिलने वाला था। लेकिन उससे पहले मैं जाता हूँ उस घर के अंदर क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ आवाज आ रही थी। तो मैं देखता हूँ तो यहाँ पे इसने कैद करके रखा होता कुछ स्टोन को और एक आदमी था पता नहीं और उसके कुछ बच्चे थे। तो जल्दी से उनको बाहर निकालता और इसके लिए मुझे यहाँ पे काफी सारे फेंस तोड़ने पड़ते और पता नहीं इसके कहाँ पे चाकू डाल दिया था। तो मैं से बोलता हूँ जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ से बाहर निकलते पीछे से वही हमला कर देता है जिसने कि इन लोगों को कैद किया हुआ था और ये कोई टाइप का था स्लाइम जिसको एसिड स्लाइम बोलते हैं। तो बिना रुके मुझे
मार रहा था लेकिन मैं लास्ट हिट मारता हूँ तो मर जाता है। साथ में उसका एक बच्चा भी आता है उसे मार देता हूँ, लेकिन एकदम से मुझे पॉइजन मिल जाता है। कुछ खा लेता हूँ तो मेरी वापस से हेल्थ ठीक हो जाती है। उसके बाद ये जो क्रॉलिंग मैन था ये मुझे बताता है कि उस डायरेक्शन में मिलेगा जो कि मुझे पहले से पता था, तो भी मैं जाता हूँ उसकी बात मान के। थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख चुका था। जैसे मुझे देखता है मेरे पास आता है और मुझसे आके बोलता है, तुम फिर से आगे मरने के लिए, इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और आखिरकार इतना सब बोलने का तो खोल जाता है, एक फाइट मारता है तो मैं बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता हूँ और पता नहीं क्यों मेरे हार्ट भी कम हो जाते हैं। तो बहुत गंदे गंदे फाइट मारता है और वापस से मुझे एकदम दूर तक के फेंकता है। और क्योंकि मेरी हेल्थ एकदम कम हो गई थी तो मुझे इससे बच बच के इसको मारना पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे पास अच्छे वाले शॉट थे तो मैं इसे लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है। तो मुझे यहाँ पे मिल जाती है इसकी एकदम सही वाली ताकत जिसका नाम था वॉइड कोर, जिसकी मदद से मैं कुछ ऐसे निकाल सकता है जमीन से बाहर। तो मेरे पास भी इसकी ताकत आ चुकी थी, तो जल्दी से मैं इस बायोम से बाहर निकलता हूँ। और यहाँ से बाहर आते पता नहीं मेरी हेल्थ कैसे ठीक हो जाती है, तो मैं इसको पूरा भर लेता हूँ और जल्दी से जाता हूँ अपने दोस्त के पास। तो जैसे मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे इसका घर पूरी तरीके से जल रहा था और यहाँ पे था एक म्यूटेंट वाला ज़ॉम्बी जो कि उसे मार रहा था। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, तो जैसे मुझे देख मुझे मारता है तो मैं से बोलता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये बोलते हैं कि ये भी गोलम के लिए काम कर रहा है और ये भी वार्डन को मारना चाहता है, तो बिना रुके मुझे मारना चालू करता है। तो मैं भी इसे कुछ हिट मारता हूँ तो मुझे लगता है मर जाता है, लेकिन वापस से ये जमीन में जोर से मारता है फाइट और बहुत गंदा डैमेज होता है। मैं इसे दो तीन बारी मारता हूँ लेकिन एक बारी तो मुझे एकदम बहुत गंदा डैमेज देता है। मैं नए वाले हथियार से वॉइड कोर से इसको मारने की कोशिश करता हूँ, तो आखिरकार मैं इसे कुछ लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है। और यहाँ पे इसका ड्रॉप होता है ये हल्क हैमर। तो ये जगह तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और यहाँ पे जो मेरा दोस्त है नेक्रोमेंसर उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये मुझे बोलता है कि एक ब्लॉक है जिसकी मदद से मैं अपने वर्ल्ड में वापस से जा सकता हूँ, लेकिन वो मुझे मिलेगा एक बड़े से टावर में और वहाँ पे मुझे मारना पड़ेगा उसके लिए एक लैंड गोलम को। तो इतना सब बोलने के बाद यहाँ पे मर जाता है। तो RIP यार नेक्रोमेंसर भाई। तो जल्दी से मैं काफी दिन तक के चलता हूँ और मुझे यहाँ पे मिल जाता है एकदम बड़ा वाला टावर। तो मैं इसके टॉप में मुझे जाना था क्योंकि वहीं पे मुझे लैंड गोलम मिलने वाला था। तो जल्दी से मैं घुसता इसके अंदर और ये पूरी तरीके से खाली था पता नहीं क्यों। और मुझे यहाँ पे दिखती सीढ़ियाँ तो मैं चढ़ना स्टार्ट करता हूँ पूरे फ्लोर। तो मुझे यहाँ पे एक फ्लोर में दिखता है ज़ॉम्बी जो कि पता नहीं क्यों मेरे ऊपर हमला करता है, तो मैं उसे निपटा देता हूँ। थोड़ा और ऊपर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और फ्लोर दिखता है जहाँ पे मुझे दिखता है एक चेस्ट और यहाँ पे पिलेजर को निपटा देता हूँ जल्दी से। तो जल्दी से मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ और लेकिन ये चेस्ट था लॉक और इसी चेस्ट के अंदर मुझे मिलने वाला था वो ब्लॉक। और यहाँ पे काफी सारे और पिलेजर स्पॉन हो जाते हैं, इनको भी निपटा देता हूँ मैं। और जल्दी से मैं जाता हूँ टॉप में तो यहाँ पे मुझे दिखता है लैंड गोलम। तो मैं उसे जाके बोलता हूँ कि मुझे उस चेस्ट की चाबी चाहिए जिसमें ब्लॉक है, नहीं तो फिर मुझे इसे मार के लेना पड़ेगा। और इतना सब बोलने के बाद खोल जाता है तो मेरे ऊपर फेंकना चालू करता है कुछ फायर बॉल्स। तो मैं जल्दी से यहाँ वहाँ हटता हूँ लेकिन मुझे बहुत गंदा डैमेज होता है उसके फायर से। तो मैं उसे कुछ अपनी शॉट से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन इसमें सही में बहुत ज़्यादा दम था, तो मैं अपनी हेल्थ भी फुल कर देता हूँ। और वापस से मेरे ऊपर एक फायर बॉल फेंकता है तो मुझे यहाँ पे कुछ ब्रेड भी खानी पड़ती है। उसके बाद मैं उसे बिना रुके अपनी शॉट से कुछ मारता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास वॉइड कोर था उससे मैं उसे कुछ मारता हूँ और बस आखिर के कुछ हिट में उसे मारता हूँ और ये यहाँ पे मर जाता है। तो मुझे मिल जाती है वो चाबी और मैं जल्दी से उसको लेके जाता हूँ चेस्ट के पास, लेकिन मैं देखता हूँ तो एकदम से पता नहीं मौसम कैसे का खराब हो जाता है और मैं सीधा जाता हूँ उस चेस्ट के पास। और यहाँ पे पता नहीं कुछ तो लिख के आ रहा था और यहाँ पे बस ये जो था टावर गिरने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं सही टाइम पे पहुँच जाता हूँ चेस्ट के पास। वहाँ पे वो ब्लॉक ले लेता हूँ और सीधा मैं भागता हूँ नीचे की तरफ और फिर एक एक करके पूरे ब्लॉक्स टूटते जाते हैं और पूरा ये टावर बिखर जाता है। तो मैं सही टाइम में पहुंच जाता हूँ एकदम नीचे और उसके बाद मैं देखता हूँ कि पूरा टावर जो इतना बड़ा था अभी कुछ भी नहीं रहा। तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ आगे क्योंकि मुझे जाना था एक ब्रिज के पास जो कि मेरे नेक्रोमेंसर दोस्त ने मुझे मरते टाइम बताया था। तो अगले काफ़ी दिनों तक चलने के बाद मैं आखिरकार पहुँच जाता हूँ उस ब्रिज के कैसल में, लेकिन उसके जस्ट बाहर में था एक म्यूटेंट हॉगलिंग जो कि उस ब्रिज की रक्षा करता था। तो पहले मुझे इससे बात करनी थी, तो जैसे मुझे देखता है पहले तो मुझे मारना चालू करता है, लेकिन मैं इसे रुकने के लिए बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ मैं इसे बात करने आया हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता है। तो मुझे इसे मारना पड़ता है बहुत बुरी तरीके से और इसका भी डैमेज बहुत सही था, लेकिन एक लास्ट हिट मारता हूँ और ये यहाँ पे मर जाता है। तो जल्दी से मैं अपनी हेल्थ को फुल कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ इस कैसल के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखता, लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पे आती है विच और ये विच एकदम नॉर्मल वाले विच से बहुत डिफरेंट थी। तो मैं इसको बताता हूँ कि मुझे भेजा है नेक्रोमेंसर ने, मैं इसको अपनी पूरी कहानी बताता हूँ और मैं इसे बताता हूँ कि मेरे पास वो ब्लॉक भी है और मैं उसे ब्लॉक भी फेंक देता हूँ। और फिर वो ब्लॉक कुछ देर देखती है और फिर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वापस भी कर देती है। और उसके बाद वो मुझे बोलती है कि वो मुझे बता देगी, लेकिन उससे पहले मुझे इसका एक काम करना पड़ेगा। तो मुझे एक देती है बुक एंड क्विल, तो मैं जल्दी से इसको लेके इस जगह से बाहर निकलता हूँ। और थोड़ी सी दूर आने पर मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे लिखा होता है किल ड्रैगन और मैं एक जगह पे पहुँचता हूँ जहाँ पे मुझे इतना बड़ा एक मच्छर दिखता है। तो मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखते हैं काफ़ी सारे पिरामिड और एक अजीब सा स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे जैसे पहुँचता हूँ मुझे यहाँ पे दिख जाता है वो ड्रैगन और पता नहीं ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा कमज़ोर था शायद, क्योंकि इसको विच ने खुद ने बनाया था और फिर इसने उसको धोखा दे दिया। तो अब इसको मारना चाहती है और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, तो मैं इसको जल्दी से निपटा देता हूँ। तो मरने के बाद उसकी एक चीज़ को मैं उठा लेता हूँ और ये शायद उस विच को चाहिए था। तो मैं बस इस जगह से जा ही रहा था कि तभी यहाँ पे लोग मुझे रोकते हैं और मुझे बताते हैं कि इनके दो तीन लोग को जो है यहाँ पे निमन लायन मारने वाला है कुछ देर में,
लेकिन जैसे मैं जाता हूँ मुझे देखता है और मुझे मारना चालू कर देता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो पहले तो मेरी बात माना था, फिर पता नहीं एकदम से खोल जाता है और वापस से उठ के मुझे मारना चालू करता है। तो मैं भी इसको मारता हूँ अपने काफ़ी सारे हथियारों से, मैं इसके ऊपर बैठ के भी इसे मारता हूँ और फिर जो वॉइड कोर से भी इसे मारता हूँ। और काफ़ी देर तक के मैं इसको मारते रहता हूँ और इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी अभी। और जैसे मैं आखिरी के 2-3 हिट मारता हूँ, यहाँ पे मर जाता है और इसकी सोल भी मुझे मिल जाती है, मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। तो उसके बाद मैं जल्दी से इस जगह से बाहर निकलता हूँ और वापस मैं पहुँच जाता हूँ कैसल में। और इस बार ये विज बाहर ही थी, तो मैं इसको बताता हूँ कि मैंने मार दिया और उसे दे देता हूँ ये चीज़। और वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर उसके बाद वो मुझे देती है एक बुक जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे कहाँ पे जाना है। और जल्दी से मैं जगह से बाहर निकल जाता हूँ पहले। और यहाँ पे मैं देखता हूँ उस जगह का नाम था होली सर्कल और उस जगह का उसने कोऑर्डिनेट भी दे दिया था। तो मैं जल्दी से बोट बना लेता हूँ और उस जगह पे पहुँच जाता हूँ मैं। तो जैसे मैं उस जगह पे पहुँचता हूँ मुझे वहाँ पे दूर में दिखना चालू होता है एक बीम जो कि एकदम ऊपर तक के जा रही थी। तो मैं सीधा पहुँचता हूँ उसके पास और मुझे मालूम चल चुका था कि यही वो जगह है। तो मैं जैसे पहुँचता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक बीकन और मुझे इसी ब्लॉक के ऊपर में रखना था इस ब्लॉक को। तो जैसे मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे पूरा बीकन बंद हो जाता है और उससे पहले कि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊँ एकदम से पता नहीं मौसम खराब हो जाता है और ऊपर से घिरता है एक हीरो ब्राइन। तो जैसे मुझे देखता है मुझे बोलता है कि जब तक कि तुम मुझे नहीं मारोगे तब तक कि तुम इस वर्ल्ड को नहीं छोड़ सकते क्योंकि इस वर्ल्ड का एकदम ताकतवर आदमी मैं हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता यहाँ पे उस ब्लॉक को चोर के भाग जाता है और इस ब्लॉक को कन्वर्ट कर देता है वो बेडरॉक में। तो अब मुझे इसको ढूंढ के और इसको मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एकदम से मौसम भी ठीक हो जाता है तो मुझे इस जगह से बाहर निकलना था और मुझे ढूंढना था कि मैं हीरो ब्राइन को कैसे मारूं और कहां पे मारूं। तो पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और अगले कुछ दिन तक के भटकने का मुझे यहाँ पे दिखता है विलेज जो कि पूरी तरीके से शांत था। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ मुझे दिखता है कि यहाँ पे एक म्यूटेंट स्केलेटन और गोलम के बीच में एक फाइटिंग चल रही थी और यहाँ पे गोलम मर जाता है। तो जैसे मुझे दिखता है म्यूटेंट स्केलेटन मुझे मारना चालू करता है और पता नहीं कहीं से तो पॉइजन मिल जाता है। तो मैं इसे अपने वॉइड कोर से मारता हूँ लेकिन इसका डैमेज बहुत गंदा था और पता नहीं बीच में तो क्या हो जाता है अपने रिब्स खोल के मारता है और बहुत दूर तक के फेंकता है। लेकिन एक लास्ट हिट मारता है और यहाँ पे मर जाता है और पता नहीं क्यों इस वर्ल्ड में सब वार्डन को मारना चाहते हैं। तो मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक विलेजर जो कि मुझे देख के खुश हुआ था और ये बोलता है कि काफ़ी टाइम से स्केलेटन ने हर किसी को मार दिया था तो क्योंकि मैंने इसकी जान बचाया था तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बदले मुझे देता है एक बोट और मैं से पूछता हूँ कि मुझे हीरो ब्रांड कहाँ मिलेगा। तो ये बोलता है हीरो ब्रांड तो नहीं पता लेकिन इसे गोलम के बारे में पता है जो कि रहता था कोलिजियम में। तो मैं जल्दी से काफ़ी दिनों तक के ट्रैवल करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ कोलिजियम में। तो जैसे मैं घुसता हूँ अंदर यहाँ पर मुझे दिखता है एकदम खतरनाक वाला गोलम जो कि एकदम लावा का था। तो जैसे मुझे देखता है मुझे बोलता है कि तुम इस जगह पे कैसे आ गया, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी इन लोगों को वार्डन पता नहीं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं पहले से मारता हूँ अपनी वॉइड कोर से और पता नहीं अपने मुंह से थूकता है लावा तो बिना रुके पूरे ये जगह को बर्बाद कर देता है लावा से। तो मैं इसे मारता हूँ कुछ हिट लेकिन फिर मुझे आग लग जाती है और बहुत गंदा डैमेज होता है इसका। तो मैं इसको दूर से मारने की कोशिश करता हूँ अपनी वॉइड से लेकिन पता नहीं बार बार थूकते रहता है लावा तो मुझे इससे बचना पड़ता है। तो मैं यहाँ वहाँ भागते रहता हूँ और फिर आखिरकार मैं इसके पास जाता हूँ और अपनी शॉट से मारता हूँ बिना रुके और हल्क हैमर से मैं एक लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है। और मरने से पहले इसने मुझे बताया कि हीरो ब्रांड का एक बायोम होता है जहाँ पे वो मुझे मिलेगा। तो मैं जल्दी से खा लेता हूँ कुछ ब्रेड तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है इसका हैमर और जितना भी था इसका आर्मर। तो जो मेरा पुराना आर्मर था वो तो पूरा टूट चुका था ऑलमोस्ट। तो मैं जल्दी से पहन लेता हूँ न्यू वाला आर्मर और इसका हैमर भी मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो जल्दी से मैं जगह से बाहर निकलता हूँ, वापस अपनी बोट में बैठता हूँ और अब मैं ढूंढने के लिए निकल चुका था वो जो हीरो ब्रांड का बायोम था। काफ़ी दिनों तक के चलने का आखिरकार मुझे बायोम मिल जाता है और यहाँ पे पता नहीं पूरे पेड़ के लीव्स ही गायब थे। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ मुझे यहाँ पे दिखते कुछ जाइंट्स, तो मैं सीधा पहुँचता हूँ उनके पास और मैं इनसे पूछता हूँ क्या इनको हीरो ब्रांड के बारे में कुछ पता है। तो ये लोग मुझे देखते मारना चालू करते हैं और मैं इनको जल्दी से निपटा देता हूँ। ये लोग दिखने में से बड़े थे और पता नहीं एकदम से यहाँ पे ब्लास्ट होना चालू हो जाता है और यहाँ पे मुझे दिखता है दूर में हीरो ब्रांड। तो घास मुझे एकदम से दूर कहीं फेंक देती है और मेरी हेल्थ वापस मैं ठीक कर लेता हूँ। तो इस घास को मैं दूर से मार सकता था तो मैं इसको ख़त्म भी कर देता हूँ और एकदम से मौसम ख़राब कर देता है ये हीरो ब्राइन। तो मैं इसे बोलता हूँ कि मैं इसे हराने के लिए आ चुका हूँ और फिर उसके बाद ये पता नहीं कुछ जॉम्बिस को स्पॉन कर देता हूँ, उनको भी मैं निपटा देता हूँ मैं। और मैं इसे दूर से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता और ये मेरे ऊपर फेंकना चालू करता है बिना रुके लाइटनिंग। तो मैं जल्दी से उससे बचता हूँ और पता नहीं फिर मौसम ठीक हो जाता है। तो जैसे मेरे सामने आता है मुझे मालूम चल चुका था कि ये तो था डमी पीस, ये रियल वाला हीरो ब्राइन भी नहीं था। तो मैं इसे जल्दी से निपटा देता हूँ, ये शायद उस गोलम ने कुछ किया होगा। तो मुझे मिल जाता अपना ब्लॉक वापस। तो मैं जल्दी से लेके इसको चलता हूँ वही होली सर्कल के पास और जैसे यहाँ पे पहुँचता हूँ तो वो जो बेडरॉक गायब हो चुका था। तो जल्दी से मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस ब्लॉक को
और इसके ऊपर चढ़ता हूँ और सीधा इस पर क्लिक करता हूँ। तो मैं पहुँच चुका था आखिरकार अपने बायो में जहाँ पे वार्डन्स रहते थे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे एक दो वार्डन दिखते हैं जो कि शायद अब इसके कब्जे में थे। तो जैसे मैं इनसे बात करने जाता हूँ ये लोग उल्टा मुझे मारना चालू कर देते हैं। तो मैं इनको दूर से मारता हूँ वॉइड से, क्योंकि इनके पास भी बहुत खतरनाक ताकत होती है। तो मैं जल्दी से इनको निपटा देता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है वही गोलम। तो जल्दी से मैं यहाँ पे निपटा देता हूँ कुछ पोलियो वाले वार्डन्स को भी, और मैं सीधा जाता हूँ उसके पास और मैं उसे बोलता हूँ कि मैं वो छोटा वाला वार्डन हूँ। तो जैसे मुझे देखता है मुझे मारना चालू करता है, और फिर मैं यहाँ पे कुछ फेंकता हूँ अपनी सोनिक बीम, उससे कुछ भी नहीं होता, और अपना कुछ तो खतरनाक वाली चीज़ निकाल लेता है बाहर। तो मुझे उससे बचते हुए भागना पड़ता है, लेकिन मैं फिर आखिरी में उसे बिना रुके कुछ हिट मारता हूँ और यहाँ पे जो है इसका हेलमेट फूट जाता है। बस आखिरी कुछ हिट बचते हैं तो मैं इसे अपने हैमर से मारता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ एक लास्ट हिट मारने के बाद। और यहाँ पे इसका गॉन्टलेट होता है जो कि मैं रख लेता हूँ अपने पास। तो बस यार इस वीडियो को सीखते हैं, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्दी से आगे लाइक एम कंप्लीट कर दो। नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।